स्ट्रगल देखना है ना, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, कोटा की उन गलियों में जाकर देखो जहां पूरी पूरी रात ना उन कमरों में लाइटें जल रही होती है। शौक नहीं है इन बच्चों को जगराता करने का। ये सब दूसरे शहर से आते हैं। अब इनका इस शहर में कोई होता तो है नहीं। बात करो ना यार तुम, कितने लड़के रोज फांसी खा रहे हैं बेरोजगारी के उससे, वो बात करो ना तुम। स्ट्रगल देखना है ना तुम्हें, कोटा जाओ वहां देखो ना स्ट्रगल देखना ना। आओ दिल्ली, तुम दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाके तुम करो ना वहां पे कवर एक बार, वो स्ट्रगल देखो, बेरोजगारी देखो वहां पर। कितने यार माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर, घर से दूर भेज रहे हैं तैयारी करने के लिए, तुम वो देखो ना, वो दिखाओ ना तुम। नहीं लगा रखा है रिया कंगना, रिया कंगना। मुंबई की सड़कों पे ना तुमने जुलूस निकाल रखा है पता है पूरा रिपोर्टर्स का, ठीक है? एक रिपोर्टर कंगना के पीछे, एक ठाकरे के पीछे, एक रिया के पीछे। जितना तुम इस मुद्दे पे चिल्ला रहे हो ना, अगर तुम इसका 10% भी अगर बेरोजगारी के ऊपर चिल्लाओ ना, तो ये मुद्दा देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा, लोगों को अकल आएगी। यार देखो ये अमेरिका तो है नहीं ना कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मैकडी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, डोमिनोज में जॉब कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई का भी खर्चा खुद उठा रहे हैं, साथ साथ घर भी भेज रहे हैं कमा के। सब स्ट्रगल देखना है ना, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, कोटा की उन गलियों में जाकर देखो जहां पूरी पूरी रात ना उन कमरों में लाइटें जल रही होती है। शौक नहीं है इन बच्चों को जगराता करने का। ये सब दूसरे शहर से आते हैं। अब इनका इस शहर में कोई होता तो है नहीं। मकान मालिक अपना अलग रोब दिखा रहा होता है, अगर पुलिस वाले पकड़ लें तो वो अपना अलग ही, क्योंकि उन्हें पता है स्टूडेंट्स हैं, इनकी तो कोई जान पहचान है नहीं, वो अलग ही लपेटे में लिए जा रहे हैं। वो क्या है ना अर्नब गोस्वामी साहब और ये जो आज तक पे बैठते हैं, ये जो इंडिया टीवी पे बैठते हैं, आपके ऑफिस में ना अवन है तो खाना गर्म हो जाता है, कैंटीन में भी ना बना बनाया गर्म गर्म खाना मिल जाता है, पर ये जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं ना, इनकी क्लास जो है ना वो 3, 3:30, 4 बजे खत्म होती है और इनका लंच ना इनके कमरे पे 12, 12:30, 1 बजे पहुंच जाता है। तो ये ना इन्हें ठंडा खाना खाना पड़ता है, इनका लंच भी ना 4, 4:00, 5, 5 बजे होता है। ये नहीं दिख रहा कि कितने यार लड़के, कितनी लड़कियां यार अपने सपनों के पीछे पागल होके ना, उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा तो कोई सुसाइड कर रहा है। बेरोजगारी की तो दूर दूर से कोई बात ही नहीं है। खेलो रिया कंगना, रिया कंगना। शुक्रिया। खैर इन लोगों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, चाहे हालात कैसे भी हो, बस मुस्कुराना मत भूलना। शुक्रिया।